हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रेडमी नोट 9 प्रो में स्प्लिट स्क्रीन मोड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इससे होगा ये कि आप एक ही फ़ोन में एक ही स्क्रीन पर दो दो ऐप्स एक साथ यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों चलिए बिना किसी देर वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना है जिसे हम रिसेंट टास्क में खोलते हैं। रिसेंट टास्क बार यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ऐसे खुल जाएंगे आपके ऐप्स और सिंपली हम यहाँ पर ऊपर स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी ऐप स्प्लिट स्क्रीन मोड में यूज़ करनी है उसे हम ऐसे लॉन्ग प्रेस करके ऐसे ऊपर की ओर ले जाएंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। और दोस्तों नीचे हमें वो ऐप सेलेक्ट कर लेनी है जिसे हमें नीचे वाली स्क्रीन में यूज़ करना है। ऐसे मैं सेटिंग्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप दोस्तों देख सकते हैं नीचे सेटिंग्स और ऊपर यहाँ पर साउंड रिकॉर्डर, दो दो ऐप्स एक साथ चल रही हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप जो इस ब्लैक सी ये जो लाइन है इसको आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं और नीचे वाली ऐप बड़ी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे करके ऊपर वाली ऐप बड़ी कर सकते हैं। ये जो वाइट सा है इसे हमें ऐसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और नीचे का। तो दोस्तों इसे बंद करने के लिए इस वाइट से लाइन को यहाँ पर ऊपर की ओर ऐसे ले जाएंगे बिल्कुल और ये स्प्लिट स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं दूसरा तरीका बता दूँगा, फिर से हम उसी बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों अब हमें यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है किसी भी ऐप पर जिसे भी आप स्प्लिट स्क्रीन मोड में यूज़ करना चाहते हैं ऐसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर वाली ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस स्प्लिट स्क्रीन मोड में चला गया और यहाँ पर दूसरी ऐप भी हम ऐसे ही सेम यूज़ कर सकते हैं।